देखिए भाई, प्रभास की सलार से काफी बुरी अपडेट आ गई है जो सुन के आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। एक्चुअली में कल से पूरे इंडिया में बॉक्स ऑफिस से पहले स्क्रीन का वार चालू हो चुका है। एक बड़ी एग्जीबिटर कंपनी है पीवीआर नाम की, उसने अनाउंस कर दिया है वो एक भी स्क्रीन प्रभास की सलार को नहीं देगा रिलीज होने के लिए। पीवीआर का सारा सिंगल स्क्रीन शाहरुख खान की डंकी को मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी शाहरुख खान के मन्नत गया था स्पेशल पार्टी में, एसआरके अपने घर बुलाए थे उसको, और जिसके बाद ही ये सलार को स्क्रीन ना देने का अनाउंस कर दिया है। एक्चुअली में शाहरुख खान डर गए हैं, वो प्रभास के सलार को कलेक्शन करने का मौका ही देना नहीं चाहते हिंदी में, यहाँ तक कि उसको बड़े स्केल पर रिलीज करने भी वो नहीं दे रहे हिंदी बेल्ट में, क्योंकि रिलीज के बाद वर्ड ऑफ माउथ से इसका प्रमोशन एकदम भयंकर हो जाएगा, और उसके बाद किसी को रोकने से भी फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है हिंदी बेल्ट के अंदर। लेकिन एसआरके रिलीज से पहले ही एक बड़ा घटिया चाल चल दिए हैं, वो सलार को ढंग से अच्छे स्क्रीन पर रिलीज ही होने नहीं देंगे। सो इसलिए उन्होंने सलार का सारा सिंगल स्क्रीन ही कब्जा कर लिए हैं। खैर, इसके प्रोटेस्ट में हम्बाले कंपनी भी एक बड़ा स्टेप चल दिया है, उसने अनाउंस कर दिया है कि मैं अपने सलार को साउथ स्टेट में भी पीवीआर पर रिलीज नहीं करूंगा। तो मेरे सलार को हिंदी में स्क्रीन नहीं दे रहा है, जा मैं अपने सलार को साउथ में भी तेरे से रिलीज नहीं कराऊंगा, भले मेरा सलार का कलेक्शन ना हो बॉक्स ऑफिस पर तेरे पीवीआर के स्क्रीन से मंजूर है मुझे, बट मेरी सलार पूरे इंडिया में किसी भी पीवीआर स्क्रीन पर नहीं रिलीज होगा। भाई, इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है, प्रभास के फैन भी टेंशन में आ गए हैं अब क्या होगा सलार का। लेकिन कुछ प्रभास के फैंस पीवीआर पर हम्बाले कंपनी से भी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने तो भाई पीवीआर के स्टॉक मार्केट में शेयर गिराना चालू कर दिए हैं, और उसके बाद ट्विटर पर पीवीआर का बॉयकॉट ट्रेंड भी चालू हो चुका है। बाकी पता नहीं पीवीआर और हम्बाले कंपनी का इश्यू आज क्लियर हो पाता है या नहीं, वो तो हमें आज शाम को ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको सलार डंकी का एडवांस बुकिंग का डेटा बता देता हूँ। वैसे अब तक शाहरुख खान की डंकी फिल्म रिलीज हो गई है, और इसके एडवांस बुकिंग में 4,50,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड हो पाया है, यानी फिल्म का एडवांस बुकिंग में 13 करोड़ का कलेक्शन हो गया था रिलीज से पहले ही। देखिए भाई, तेलुगु बेल्ट का एडवांस बुकिंग ओपन होने के बाद सलार का अचानक से एडवांस बुकिंग में सुनामी आ चुका है। अब तक सलार का 12 लाख से ज्यादा टिकट सोल्ड हो चुका है, और फिल्म का कलेक्शन भी 26 करोड़ तक हो गया है एडवांस बुकिंग में एक दिन पहले ही। लेकिन सलार का अभी तक हिंदी में सिर्फ 70,000 ही टिकट सोल्ड हो पाया है, वो भी पूरे 4 दिन में, क्योंकि इसको स्क्रीन ही शाहरुख खान नहीं दे रहे रिलीज होने के लिए। वैसे सलार फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है बुक माई शो पर भी। एक्चुअली में सलार का अब 17 लाख से भी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है बुक माई शो पर, और ये ऑल टाइम हाई है तेलुगु सिनेमा के लिए। आप देख सकते हैं इतना ही इंटरेस्ट राजा मौली सर के आरआर का हुआ था 2022 में, बट इस रिकॉर्ड को प्रभास ने तोड़ दिए हैं 2 दिन पहले ही, यानी 20 लाख से भी ज्यादा इंटरेस्ट प्रभास की सलार का हो जाएगा बुक माई शो पर, जो सच में बड़ी बात है। और वही शाहरुख खान की डंकी का बुक माई शो पर 4 लाख भी इंटरेस्ट नहीं हुआ था रिलीज से पहले। बाकी भाई, आपको क्या लगता है, शाहरुख खान के इन्फ्लुएंस में आकर पीवीआर ने सही काम किया है सलार को एक भी स्क्रीन ना देने का अनाउंसमेंट करके, या गलत काम किया है? अपना विचार इसके बारे में हमें जरूर बताना कमेंट में, और साथ में ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।